Welcome back to my channel. I'm Arsini Chawla, and as you can see, this place. So after 6 months, I am in mall, and I have shopped a lot of stuff pehle, but mall mein se maine 6 mahine se kuch nahi liya hai. So today I am all alone by myself, and I am going to buy some stuff which I want for myself. And maine aisa kuch plan nahi kiya ki what I want and not, because today I'm feeling little low. So I want a little therapy, and I want to spend some time with myself, which I absolutely love and which is very therapeutic and healing to me at least. So yeah, I decided ki aaj main akele jaungi, akele khana khaungi aur akele shopping karungi, and I will enjoy all by myself. Aisa karti hu ki 6 mahine mein ek aadh saal mein ek aadh baar aisa karti hu ki shopping pe akele chale jana, khana khane ke liye chale jana. And today is the kind of a day, so aaj main pura din aise decide kiya hai. So right now I am in Alpha Mall, as you can see. And today is Saturday, so थोड़ा rush है यहाँ पे, मतलब इतना ज़्यादा नहीं, but है. So right now I guess it is 1:30. मैं थोड़ा late आई हूँ, so afternoon के 1:30 है. So मैंने थोड़ा देखा, I wanted to buy one Casio watch, जो अभी सेल पे नहीं है. जब मैंने देखा था तब वो सेल पे थी, तो मैंने सोचा कि बोलूँगी, बट वो अभी सेल पे नहीं है. सो आऊँगी फूड कोर्ट में, एंड वहाँ से मैं खाना खाने के बाद कुछ सोचूँगी कि मुझे क्या करना है. एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज मैं क्या करती हूँ अकेले. वैसे आई हैव डन दिस काइंड ऑफ स्टफ, सो आई थॉट लेट मी जस्ट व्लॉग दिस, एंड आई होप यू एंजॉय वॉचिंग दिस व्लॉग. सो या, लेट्स गो. For the first time, and I have ordered, I don't know, I forgot the name, but ये एक डेजर्ट है. रोटी के बीच में उन्होंने चॉकलेट फिल करके दे दिया है. दिस इज क्रंची टाको. लेट मी जस्ट ट्राई दिस. दिस टाको इज नाइस, इट इज अ क्रंची वन. दिस डेजर्ट इज ऑल्सो नाइस, बट लिटरली दिस इज अ रोटी और उसके अंदर चॉकलेट दिया, आई मीन नटेला भर के दिया. बट या, आई लाइक दिस प्लेस. Hi, so I will show you my OOTD. Although it is not very much appropriate to summer, but I am wearing all black outfit. This top I purchased from Sarojini. थोड़ा सा इसमें work है, but you cannot able to see that. And this pant is from Forever 21. बहुत time पहले लिया था. And this shoes is from H&M. जो मैं जब से लाई हूँ तब से यही पहन रही हूँ. So yeah, this is my OOTD. एंड अभी मैंने खाना खा लिया है. सो आई एम थिंकिंग कि अभी मैं शॉपिंग के लिए जाऊँ, बट आई एम नॉट श्योर बिकॉज मैं मिनीसो गई और केशो में गई, दोनों जगह पर मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया. सो या, लेट्स जस्ट सी कि क्या मैं कुछ परचेज भी कर चुकी या ऐसे ही बस घूम के आ जाती हूँ. सो या, लेट्स स्टार्ट द शॉपिंग गेम. नॉट शॉपिंग गेम, नॉट गोइंग टू बाई सो मच, बट या, लेट्स स्टार्ट शॉपिंग. Guys, so right now I'm in Max, and this is the first kurta I tried. I was not sure मुझे क्या लेना है और क्या नहीं, पर मैं Max में आई first, and I like Alpha One का Max, so मैंने ये कुर्ता भी try किया है. And I'm not sure, इसमें थोड़ा color light दिख रहा है, but this is like वो सेमी ट्रांसपेरेंट अंदर इनर है. सो आई एम थिंकिंग टू बाई दिस, बट आई एम नॉट श्योर कि मैं लू कि नहीं लू. ऑल्दो आई रियली लाइक दिस कुर्ता, इट इज दिस काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंट थिंग विच आई एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली लव. सो या, लेट्स सी. और भी है एक दो चीजें, आफ्टर ट्राइंग दैट आई विल शो यू कि मैंने परचेज भी किया कि नहीं.
ओके गाइस, सो रिसेंटली आई परचेज सो मेनी वेस्टर्न क्लोथ्स. अभी पता नहीं मैं सारा कुछ ट्रेडिशनल में ही परचेज कर रही हूँ. सो राइट नाउ आई एम इन पेंटालूस एंड आई परचेज वन दुपट्टा. मैक से भी एक दो चीज़ें ली है, बहुत ज़्यादा नहीं किया है अभी तो मैंने शॉपिंग, बट आई एम लिटिल बिट टायर्ड. सो दिस ड्रेस इज नाइस बट ड्रेसेस मुझे नहीं होते हैं, पता नहीं मेरी, आई एम लिटिल थिन फॉर दैट. एक्स्ट्रा स्मॉल चाहिए होता है जो अवेलेबल नहीं होता यूजुअली साइज में. एंड मेरा स्टेशन आ गया बैग लेने का. भैया बैग आई गेस अभी मैं एक आधा और जगह, यस आई फॉरगॉट माय वन बैग. सो आई गेस अभी मैं एक और जगह जाऊंगी, एक दो जगह, एंड देन आई विल बी डन. नेक्स्ट इज दिस dress, slit one, which is not my style, but I wanted to try this sort of a dresses, but it is bit long I guess for myself, or थोड़ा tight भी है. And this is the next one. I am not sure about this. It is in a small size, same जो मैंने पहना था वही style का है, but it is pretty long on me. And ये slit एक तो इतने तक ही है, so मैं cut भी नहीं करवा सकती otherwise. ये बटन्स ओपन होते तो मैं इसको छोटा करवा के कर सकती थी, बट या एंड आई लुक लाइक अ मेस एंड आई हैवंट अप्लाइड मेकअप. ये एंड दिस इज द नेक्स्ट ग्रीन कुर्ता. इसमें पूरा ब्लैक ही लग रहा है, इट डजंट मेक एनी सेंस, बट या लाइटिंग इज नॉट गुड. आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज. Okay guys, I found this really really pretty kurta. I guess it is from W and I'm not sure should I go for it or not because this is not my style, but I absolutely love this work and it is so pretty. And I purchased one golden dupatta, to mujhe aisa hai ki golden dupatta liya hai to I want this kurta. It is so pretty. Can you see the work, the detailing? I mean it is just so beautiful. Next is this. It is very simple, basic, but the material is like a really, really beautiful. It is a silk shiny material, which I absolutely love. Can you see the light reflecting on the material? But I'm not sure about this. It's nice. Yes, it is beautiful. But I feel I want a 1 week size, but it is not available. So let's just see. I really like this kurti, and this is the dupatta which I bought from W. ये मैंने already ले रखा है, पर अभी इसके साथ try करने के लिए I am just using it. This brand is really nice. The brand name is Spawn. I love it, I love it, I love it. I just bought one kurta from them. It is a bit expensive but really nice. The material and everything is so good. Can you see? वही मैं इसका दूसरा green है ये वाला, वो try करती हूँ. Then I finally going to finish my shopping because मैंने बहुत पैसे बना लिए. Yeah. ओके गाइस, सो फाइनली आई परचेज सम स्टफ एंड बहुत 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 ज़्यादा पैसे उड़ा दिए मैंने. लाइक थोड़े ही चीज़ें लिए हैं बट पैसे काफ़ी ज़्यादा उड़ गए. एंड आई लाइक टोटली बहुत ट्रेडिशनल स्टफ, मतलब कुर्ते दुपट्टे और वही सब लिया है. एंड टुडे आई एक्सप्लोर न्यू ब्रांड स्पान करके, वो बहुत अच्छा है. एंड आई यूज टू नॉट लव W ब्रांड इन ट्रेडिशनल, बट पता नहीं आज मुझे बहुत अच्छा लगा उनका, और स्पेशली उनके दुपट्टे बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं. सो आई परचेज टू दुपट्टाज फ्रॉम देयर. मैं घर जाके आपको सब कुछ दिखाऊंगी कि वॉट आई परचेज्ड. एंड मैं शॉपिंग करने में इतना बिजी हो गई थी कि मैंने फिर ब्लॉग करना ही छोड़ दिया. एंड आई इन्जॉयड दिस रिटेल थेरापी एंड बहुत मज़ा आया. एंड या इट वॉज अ गुड डे. एंड अभी मैं घर जा रही हूँ एंड आई शो यू एवरीथिंग वंस आई रीच होम. ओके गाइस, सो दिस इज मी आफ्टर 1 or 2 week. एंड आई नो मैंने बहुत टाइम ले लिया ये प्रोडक्ट दिखाने में, बट आई हैवंट परचेज मस्ट अप. और जो भी मैंने दिखा रही हूँ वो ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो में क्लिप में दिखाई दिया था कि ये मैं ट्राई कर रही हूँ और वो सब. सो मैंने इतना ज़्यादा एक्सप्लोर तो नहीं किया था, बट इट वॉज रियली फन एंड आई एम रियली हैप्पी कि मैंने ये सारी चीज़ें ली है. एंड सम ऑफ देम आई वोर एंड आई गॉट सो मेनी कॉम्प्लीमेंट्स, सो आई एम सुपर हैप्पी. सो फर्स्ट थिंग आई परचेज इज दिस कुर्ता जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा था. दिस इज फ्रॉम मैक्स. सो मैंने मैक्स से ये
चिकन कारी कुर्ता लिया है एंड आई एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली लव चिकन कारी कुर्ता एंड ड्रेसेस अ लॉट. मेरे पास और भी 3-4 जितने हैं चिकनकारी में और ये कलर मेरे पास नहीं था एंड दिस इज वेरी समर अप्रोप्रिएट सो आई परचेज दिस एंड दिस आई गॉट आई गेस. अच्छा ओके टैग तो नहीं है मतलब रिमूव हो गया है बट ये मुझे 1200 या 1300 में पड़ा था एंड दिस इज फ्रॉम मैक्सो. मैक्स का ऑनलाइन वेबसाइट है सो अगर आपको ऐसा कोई चाहिए तो आप उनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो. आई एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली लव. इसका मटेरियल भी बहुत अच्छा है इसके साथ ऑलरेडी उन्होंने इनर दिया था विच इज अ रियली ग्रेट थिंग. ओके सो जब मैंने ये कुर्ता लिया था और मैं इसका बिलिंग करवा रही थी एक ही चीज लेके मैं मैक्स से बिलिंग करवा रही थी तब मैंने वहां पे साइड पे रैक में ये देखे शूज एंड आई वॉज लाइक ओके आई डोंट हैव अ येलो कलर शूज आई थॉट ओके लाइक मी जस्ट बाय. सो मैंने ये येलो कलर के लिए इट स्क्रीम्स समर सो आई एब्सोल्युटली लव एंड आई डोंट हैव एनीथिंग इन येलो सो मैंने शूज ले लिए. ये मुझे पड़े थे आई गेस 1100 में विच इज वेरी चीप और इट इज वेरी कंफर्टेबल ऑल्सो. मैंने एक दो बार पहन के ट्राई किया एंड एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली लव दिस. सेम थिंग अगर आप ज़ारा में उसमें जाओगे तो बहुत महंगे पड़ेगी. आजियो में भी ऐसे सस्ते मिल जाते हैं सो यस एब्सोल्युटली लव दिस हील्स. इट इज फ्रॉम मैक्स. देन नेक्स्ट थिंग आई परचेज इट वॉज फ्रॉम पेंटालून्स. सो मैंने पेंटालून से एक दुपट्टा देखा था अभी आई ऑलरेडी हैव दुपट्टा इन दिस कलर बट वो इतना अच्छा नहीं था सो आई परचेज दिस. मैं वहाँ पे कुछ एक दुपट्टा ही ले रही थी और वहाँ पे पता नहीं कोई थे जो वहाँ पे वर्क काम कर रहे थे वो भैया ने मुझे दिखाया कि ये वाला दुपट्टा मैडम देखो बहुत ज्यादा अच्छा है. तो मैंने गोल्डन जो पहले लिया था वो मैंने रख के फिर ये लिया एंड इस पे इतना अच्छा एक काम है दुपट्टे के नीचे के साइड में एंड इट इज अ मेड अप ऑफ ऑर्गेन्जा एंड द मटेरियल इज रियली रियली नाइस. दिस दुपट्टा इज रियली एक्सपेंसिव बट उसका क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छा है. आप इन पर्सन देखोगे तो आपको पता चलेगा. सो दैट इज व्हाई आई परचेज दिस दुपट्टा एंड आई हैव सो मेनी स्टफ जिसके साथ ये दुपट्टा इजिली जाएगा. सो यस दिस इज द दुपट्टा. इट इज इन अ गोल्डन कलर थोड़ा सा डार्क है बट यस आई एब्सोल्युटली लव दिस एंड इस पे मैं देख रही हूँ थोड़े थोड़े धागे ऐसे खींच गए बिकॉज मैंने अभी रिसेंटली पहना था और मैंने अच्छे से इसका ध्यान नहीं रखा इस पे दबे भी हो गए. आई हैव टू वॉश दिस. सो उसके बाद आई वेंट टू लाइफ स्टाइल एंड लाइफ स्टाइल से मैंने ये कुर्ता लिया एंड आई एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली लव दिस कुर्ता अलॉट. इट इज लाइक अ मरून और ब्राउनिश सॉर्ट ऑफ अ कलर. इट इज वेरी डार्क एंड ये उस पे इतना अच्छा सा काम है विच आई एब्सोल्युटली लव. दिस इज फ्रॉम दिस ब्रांड कॉल्ड स्पान एंड मैंने ये गोल्डन दुपट्टा लिया था तो आई वॉज लाइक कि ठीक है इसके साथ परफेक्ट मैच आ जाएगा एंड मुझे ऐसे टाइप के कुर्ते थोड़े चाहिए थे तो दैट इज वाई आई परचेज दिस कुर्ता. दिस वन इज फॉर लाइक 2600 और 2500 विच इज अ बिट एक्सपेंसिव बट ये इसका मटेरियल एंड क्वालिटी इज रियली गुड. सो यस आई एम रियली हैप्पी विद दिस परचेज. दिस दुपट्टा इज रियली एक्सपेंसिव क्योंकि दुपट्टे के इतने प्राइजेस मैंने कभी लाइफ में पे नहीं किया है बट दिस वन इज फॉर 1600 और 700 इतने का मुझे ये दुपट्टा मिला था. एंड देन मैंने एक और कुर्ता ट्राई किया था ब्लैक कलर का जो मैंने आपको दिखाया था वहाँ पे एंड एट दैट टाइम आई वॉज सेइंग कि मेरा साइज नहीं है तो फिर मैं डब्ल्यू के शोरूम में गई. वहाँ पे अल्फा में अलग से ही था डब्ल्यू का उसका शॉप. सो मैं वहाँ पे गई और वहाँ पे मुझे ये कुर्ता मिल गया एंड मैं ये कुर्ता इसलिए परचेज किया है बिकॉज इसका मटेरियल बहुत 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 ज्यादा अच्छा है. इट इज लाइक लिटिल बिट शाइनी नॉट ऐसे तड़क भड़क वाला शाइन नहीं इसमें बट बहुत ही अच्छा क्वालिटी का ऐसा शाइन है एंड द मटेरियल इज सिल्क एंड आई एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली लव दिस. ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है इस पे बस इतना ही हल्का सा वर्क है बट द मटेरियल इज रियली गुड एंड इसका प्राइस है 1799 मतलब 1800 का है. सो यस आई एब्सोल्युटली लव दिस कुर्ता. ये डब्ल्यू मैक्स एंड स्पान ये सारे ब्रांड्स आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं. सो या इफ यू वांट टू परचेस एनीथिंग यू कैन चेक देयर ब्रांड सो आपको मिल जाएगी यही सारी चीजें अगर आपको सिमिलर बाय करनी है तो. बट यस आई एब्सोल्युटली लव दिस कुर्ता एंड ये मेरी साइज में भी है. देन मैंने डब्ल्यू से उसके साथ मैचिंग का दुपट्टा भी ले लिया. सो आई एब्सोल्युटली लव दिस दुपट्टा. दिस इज इन अ ब्लैक कलर एंड मेरे पास ब्लैक कलर में कोई भी दुपट्टा नहीं था तो आई थॉट ओके लेट मी जस्ट बाय दिस दुपट्टा एंड इसके साथ अच्छे से जा रहा था तो मैंने इसके साथ ये दुपट्टा लिया. सो ये भी डब्ल्यू से ये भी डब्ल्यू है एंड उसके साथ मैंने लेगिंग्स भी ले लिया था क्योंकि इसके अंदर ग्रे सॉर्ट ऑफ कलर एंड आई डोंट हैव द मैचिंग लेगिंग्स. सो मैंने ये सॉरी सिल्वर कलर में सिल्वर कलर का ये मैंने लेगिंग्स लिया है. सो यस ये पूरा एक सेट मैंने वहां से ही लिया था. तीनों चीजें मैंने सेपरेट सेपरेट ली थी बट या ये एक पूरा सेट मैंने कर दिया एंड गोल्डन दुपट्टा तो जाएगा ही ऑफकोर्स ये मरून के साथ. देन द लास्ट थिंग आई परचेज इज ऑल्सो फ्रॉम लाइसल. इट इज फ्रॉम दिस ब्रांड कॉल्ड स्पान. ये इतना हैवी वाला कुर्ता नहीं है एंड आई लाइक द कलर सो मैंने परचेज कर लिया. दिस इज इन लाइक अ डार्क फॉरेस्टी ग्रीन कलर एंड इस पे हल्की सी ऐसे थोड़ी मतलब वर्क किया है वो. सो यस आई परचेज दिस कुर्ता एंड बस मैंने इतने लिए है आई गेस 1 2 3 4 कुर्ताज 2 दुपट्टाज 1 लेगिंग्स एंड
वन शूज. सो यस, इतना मैंने शॉपिंग किया था एंड इट वॉज अ गुड रिटेल थेरापी. ऑल्दो मैंने पैसे बहुत उड़ गए, आई रिग्रेट अबाउट इट, बट ये सारे प्रोडक्ट देख के आई एम लिटिल बिट हैप्पी कि हाँ चलो मैंने ऐसा कुछ स्पॉन्टेनियसली बाय नहीं किया जो मैं रिग्रेट करूँ कि. सो यस, दिस वॉज इट अबाउट दिस सेल्फ डेट वाला व्लॉग. एंड इफ यू एंजॉय वॉचिंग माई व्लॉग देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर लाइफ अपडेट बिहाइंड द सीन. यू कैन ऑल्सो फॉलो मी इंस्टाग्राम. टिल देन, ईट हेल्दी, टेक केयर, अप्लाई सनस्क्रीन एंड बाय.